नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इंडिया के नंबर वन एंड लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वन अकेडमी पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप प्राप्त करते हैं अनलिमिटेड क्लासेस, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस एक ही सब्सक्रिप्शन मात्र से। चलिए भाई शुरू करते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सभी लोग आइए, गेट स्टार्टेड पर जाइए और अपना मोबाइल नंबर जरूर रजिस्ट्रेशन करिएगा। यस, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सभी लोग आइए, मोबाइल गेट स्टार्टेड पर जाइएगा, अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करिएगा और अपने गोल को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप UPSC, IIT, NEET, बैंक एग्ज़ाम, गेट, UPSC, मतलब हर एक कैटेगरी की तैयारी कंप्लीट मिल जाती है आपको UPPSC, UPSSSC में। मैं आपको मिलूंगा मैथ सब्जेक्ट के साथ। मेरा नाम है राहुल सोनी और आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक दिख जाएगा, राहुल सोनी प्रोफाइल लिंक। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज से, अभी से, मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आपको। अनअकैडमी के एडवांटेज समझिए, एनी टाइम एनी वर लाइव पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, इवेंट लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास आपको मिलता ही है, अपॉर्चुनिटी है बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, अनलिमिटेड क्विज मिल जाता है आपको यहाँ भाई साहब, एक्सेस मिल जाता है करस्पॉन्डिंग कोर्सेज में मल्टीपल टाइम, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड पैडागॉजी, यहाँ पर मल्टीपल टाइम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलता है। सो अकेडमिक ऑफरिंग समझिए, अकेडमिक ऑफरिंग क्या है, देख रहे हो क्वेश्चंस, बैंक एक्सपेंशन अलोंग विद PYQs, 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मेंस टेस्ट होगा विद मॉडल पेपर्स, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। PYQs मीन्स क्या, मोनू कुमार जी गुड इवनिंग, मतलब आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स करने मिलने को मिल जाएगा यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। चलिए आज की क्लास यहीं से शुरू करें, बताएं। सो वंस मोर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बेहद ही खूबसूरत टॉपिक के साथ मैं आज आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस समझाने वाला हूं आपके एग्जाम का। जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका लेवल कैसा होगा, कहां से पूछे जाएंगे, कैसे कैसे सवाल होंगे, सारी चीज़ें हम और आप सीखेंगे। समझ में आ रही भाई? चलो शुरू कर देते हैं। आपको जैसा कि लिखा होगा डेमो, है ना, डेमो क्लास के रूप में। देखो क्लासेस हम लोग की शुरू होती हैं जो मैथ्स की, मैथ्स जो पूछी जाती है, सिर्फ एक रीजन समझिए मैथ्स के पूछे जाने का। मैथ्स पूछा आपसे सिर्फ इसलिए जाता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, आप किसी भी चीज को देख के क्विक मोमेंट में उस पर डिसीजन कितनी जल्दी ले पाते हो, बस इसीलिए मैथ्स पढ़ा जाता है। जिनकी भी मैथ्स अच्छी होती है उनकी डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है ना, किसी भी चीज़ पर फैसला लेने की क्षमता काफ़ी स्ट्रांग होती है, मतलब क्विक मोमेंट में वो तुरंत आंसर कर देंगे कि भाई साहब इस चीज़ को अगर हम इस तरह से करेंगे तो जल्दी होगा, समझ रहे हो। और मैथ्स अपनी सोशल लाइफ में भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी मैथ्स नहीं अच्छी हुई, आपके सामने वाले की अच्छी हुई, तो भाई साहब आप बेवकूफ़ बन सकते हो वहाँ पर किसी भी कैलकुलेशन में। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ कि जब भी आप कहीं जाते हो शॉपिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके साथ में, भाई साहब खरीद करके आपको बेचना है तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोई दूसरी चीज़ आप खरीद रहे हो तो आपको उसके पर डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट कितने परसेंटेज का मिल रहा है, प्रतिशत निकालना आना चाहिए, समझ रहे हो। हर एक चीज़ मैथ्स का, जितना भी चीज़ आप यूज करते हो, हर एक चीज़ आपकी सोशल लाइफ में है, ठीक है। लाइक आपने कोई घर बनवाया, घर में ये फर्श बना, अभी इस फर्श में मेरे को छोटे 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 टाइल्स लगाने हैं, भाई साहब टाइल्स की संख्या कितनी होगी, टाइल का साइज कितना होगा, कितना बड़ा क्षेत्रफल पूरा था, उसमें मुझे कितनी चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सिखाती क्या है, मैथ्स। टाइल का साइज भी निकाल सकते हो, है ना। जब ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा तो चाहे फर्श पे टाइल्स लगाना हो वो भी पता कर सकते हो, आपको किसी खेत में क्यारी बनानी हो वो भी पता कर सकते हो। लाइक आप ही सोचो, अगर आपका आपके आपने कोई घर बनवाया, अब आपको फर्श पर टाइल्स लगाना है, सेम साइज का आप टाइल्स उठा के तो मार्केट से लेके आओ, लेकिन मिस्त्री ऐसे लगा रहा है ऐसा कि थोड़ा सा हिस्सा बच जा रहा, अब वहाँ पर दूसरा हिस्सा, मतलब दूसरा छोटा सा टाइल काट के लगाएगा तो आपको भी पता है अच्छा नहीं लगेगा देखने में, व्यू में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगे इसके लिए मेरे पास टाइल्स की साइज कितनी होनी चाहिए, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें सिखाती है आपको मैथ्स, जरूरी नहीं सिर्फ यही बात मैं कह रहा, मैं आपसे ये भी पूछ रहा कि चलो आज नहीं, आपको कुछ
आगे चलकर आपका किसी भी दोस्त यार को या आपको कोई बड़ा सा बिजनेस करना, ऐसा बिजनेस कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको सेल करना है, भाई साहब आप डिब्बे में बक्से में भर करके बेचोगे। अब डिब्बे में आप रखोगे कई सारे सामान को, तो उस सामान में कितने या डिब्बे में हम कितने प्रोडक्ट्स अपने रख सकते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, ये हमको मैथ से सिखाता है, ठीक है। लाइक आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो मिल जाए बक्से की, अब इस बक्से के अंदर अगर आपको अपना प्रोडक्ट रखना है तो कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि थोड़ी सी हाइट बचरा जा रही बक्से की, या भाई साहब जितना बक्सा उतने में पूरे हम इतना पैकेट भर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को, आयतन को कितना आयतन से डिवाइड करना है, एरिया को किस एरिया से डिवाइड करना है, सब कुछ हमको कौन सिखाती है, मैथ्स। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा, क्या आप मेरी उस बात तक पहुंच पा रहे हो? से यस अगर आप पहुंच पा रहे हैं। चलिए तो इतनी बातें, परसेंटेज के यूज और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर आए तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी समझिए। लाइक आप कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हो, सिर्फ परसेंटेज की बात मैं कर रहा कि परसेंटेज का यूज आपकी सोशल लाइफ में कितना है। अभी मेरे गांव में ही बात करें तो गांव में मेरे को एक सवाल मिला था, आज नहीं, मैं हाई स्कूल में था तब की बात है, 102 को 5 से डिवाइड करो बता दो शेषफल भागफल कितना, ये मेरे को जब मिला था तब मेरे से भी गलती हुई थी, अब सोचो मैं हाई स्कूल में था। आपको भी अगर आज ये सवाल मिल जाए तो आज भी, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, आज भी कई लोग इसका आंसर 2.4 बताते हैं, जबकि होता कितना है भाई साहब 20.4, लेकिन आज भी कुछ लोग भाग देंगे 2.4 ही बताएंगे, 20.4 नहीं जानते, क्योंकि बेसिक रूल है ये, वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल उठा था, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सेंट्रल टीटी के एग्जाम में, समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका रेडी है तो आप समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम बैठोगे निकलेगा, और अगर कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी मजबूत है, बहुत ज़्यादा थ्योरी, कॉन्सेप्ट मजबूत है तो थ्योरी अपने आप मजबूत हो ही जाती है। कॉन्सेप्ट अगर तैयार है तो आप सेंट्रल वैकेंसी में बैठ सकते हो, सीटेट हो गया, मैंने कहा केवीएस हो गया, आप एनवीएस के एग्जाम में बैठोगे, सब कुछ निकलेगा। और अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, आप थ्योरी रट्टा मार के पढ़े हो ना, तो थ्योरी अगर मार के पढ़े हो तो हो सकता है भाई साहब टेट भी निकले और शिक्षक भर्ती निकले, बस दो चीज़ें, समझ रहे हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनना है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनना है तो समझ लो आपका कॉन्सेप्ट भाई साहब बहुत मजबूत होना चाहिए। सो कॉन्सेप्ट पर हम लोग इस पूरी क्लास में बात करेंगे, किस कॉन्सेप्ट से कैसा कैसा सवाल आपसे पूछा जाता है, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बट आज की क्लास मैं शुरू ही कर दूंगा, ठीक है, ऐसे सेशन स्टार्ट करेंगे कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं था, सारी चीज़ें आपको अभी पता चली हैं, शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अगर पूरे मैथ्स की बात करें कि मैथ्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भाई साहब इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से शुरू हुई, क्यों इतना हम लोग आगे बढ़े, ये सब कुछ नहीं पता, कहीं भी लिखित रूप में प्राप्त नहीं है, समझ लो। लेकिन शुरुआत में काउंटिंग जैसे होती नहीं थी कि आप मुझे एक गिलास चावल दे दो और मेरे से एक गिलास क्या ले लो दूध, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप मेरे से एक बोरी भर के मेरे से कुछ गेहूं ले लो और एक बोरी भर के मुझे दाल दे दो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब पहले कॉन्सेप्ट क्या था, वस्तु विनिमय नियम का, तब जब रुपये पैसे नहीं होते थे, है ना, आप बोरी बोरी सब चीज़ों की तुलना वैसे ही हो जाती थी। धीरे धीरे जब कैलकुलेशन इम्पॉसिबल होने लगे, कैलकुलेशन हो नहीं पाती थी कि आपने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया, कब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का जन्म हुआ, कहीं भी लिखित रूप में प्राप्त नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 9 तक की अंकों का यूज कब शुरू हुआ नहीं पता चला, बट इनका यूज होता था किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो मेरे दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स की शुरुआत का एकदम बेसिक सा चैप्टर, मतलब जहाँ से मैथ्स की शुरुआत होती है वहाँ पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास का, नंबर सिस्टम से, अर्थात संख्या पद्धति से। सो मेरी बात समझिए, मैंने आपसे कहा बाबू कि मैथ्स की शुरुआत कहाँ से हुई ये नहीं पता था, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कब मिला कब बना नहीं पता, लेकिन इन अंकों से हम लोग करते थे अपने वर्क कैलकुलेशन के लिए। तो भाई साहब जब इनसे कैलकुलेशन होती थी, इन अंकों का कुछ अर्थ निकलता था, तो इसलिए इन अंकों को कहा जाने लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगा लाइक सीटेट कि सार्थक अंक बताइए, तो भाई साहब ये चीज़ नोट करके लिख लो कि जिस या जिन अंकों का अपने आप में कुछ अर्थ होगा, जिन भी अंकों का कुछ अर्थ होगा वे सार्थक कहलाएंगे। अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख लो भाई साहब सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या लिखोगे आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब क्या लिखोगे आप सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर मैं पूछूं आपसे असार्थक अंक, व्हाट इज असार्थक अंक,
असार्थक अंक क्या है, तो आप कह देंगे बाबू इनसिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलेंगे? इनसिग्निफिकेंट डिजिट। किस पर बातें हो रही हैं? जिस अंक का कुछ अर्थ ना हो, जिस अंक का कुछ अर्थ होगा वे तो सार्थक में आएंगे, बट किसका अर्थ नहीं होता तो आप क्या बताएंगे? जीरो का। और भाई साहब जीरो पर चर्चा करने को आ जाए तो फिर बहुत लंबा खींचेगा। ठीक है, ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, चलो ट्रस्ट करा भी देते हैं, करा दें। जैसे सुनो, सार्थक असार्थक हो गया। अब अगर जीरो पर हम लोग बात करें तो जीरो एकमात्र ऐसा डिजिट है जिसका क्या हुआ था? आविष्कार। बाकी नंबर्स तो अपने आप फिर बनाए गए। जीरो का आविष्कार कहां पर हुआ था? जीरो का आविष्कार भाई साहब भारत में हुआ था। कहां हुआ था? भारत में। अब अगर हम बात करते हैं कि जीरो का आविष्कार भारत में तो हुआ था, लेकिन किया किन्होंने था? कोई बता दे इसमें जीरो के आविष्कारक का नाम क्या था? तो भाई साहब अगर आप बता दो कि आर्यभट्ट जी, तो फटाक से हो जाएगा सवाल गलत। आविष्कारक थे एक भारतीय, इंडियन थे, मैथमेटिशियन थे एक भारतीय, गणितज्ञ थे, बट कैसे गणितज्ञ थे ये आज तक पता नहीं है। तो हम लोग कहेंगे जीरो के आविष्कारक एक भारतीय अज्ञात गणितज्ञ थे। ठीक है मेरे दोस्त। अले ले ले ले, जीरो के आविष्कारक एक अज्ञात भारतीय गणितज्ञ थे। कौन दिक्कत? जीरो के आविष्कारक के कौन थे? अज्ञात भारतीय गणितज्ञ। अब सुनिएगा, किन्होंने जीरो का आविष्कार किया ये नहीं पता। अब जब नाम आता है आर्यभट्ट जी, तो हम कह सकते हैं आर्यभट्ट जी जीरो के प्रतिपादक थे, समझ रहे हो? और इन्होंने जो पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक का नाम भी लिख लो आप लोग, वहां से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैं बताऊंगा, और उन सभी सवालों को लिखवाऊंगा। आप जब उन सवालों को देखे होंगे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ से सवाल उठाया गया। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने जीरो का यूज करके बहुत सारे कैलकुलेशंस पॉसिबल बनाई थी, समझ रहे हो? लाइक पाई का मान 3.14 तक निकालना। अब भाई साहब जब तक जीरो का आविष्कार नहीं होता ना, तब तक आप दशमलव वाली संख्या कैसे बता सकते हो? और आप खुद ही सोचो कि कोई एक इंसान जीरो का आविष्कार भी करे और जीरो का यूज करके नंबर भी बना दे, फिर उन पर कैलकुलेशन प्लस माइनस साइन और गुणा भाग सब कुछ सिखा दे, उसके बाद में दशमलव भी बना दे जीरो का ही यूज करके, और दशमलव संख्याओं पर कई सारे एप्लीकेशंस भी बना दे, पाई का भी यूज करे, तो एक लाइफ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। धीरे 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 धीरे, जैसे होता नहीं कि मैंने इस चीज़ का खोज कर दिया, भाई साहब मैंने लाइट की खोज कर दी, अब लाइट तो मैंने बना दिया, लेकिन लाइट पर जितने भी एप्लीकेशंस होते गए, आज LED लाइट हो गई, पहले कुछ और थी, तो ये सारी चीज़ें जो बनती गई एक बार आविष्कार होने के बाद उसमें धीरे 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 चेंजेस लाते गए, है ना, उन पर और सारे एप्लीकेशंस बनाते गए। तो आर्यभट्ट जी ने सिर्फ एप्लीकेशन बनाए थे, अनुप्रयोग किए थे, ना कि उन्होंने आविष्कार किया था। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संख्या स्थान निरूपणम। इनकी पुस्तक का नाम था संख्या स्थान निरूपणम। ठीक है, ये एक ही में है, मतलब आप ऐसे मत बोलना कि ये अलग अलग है। संख्या स्थान निरूपणम, यहाँ से आपके एग्जाम में एक नहीं, मैं कई सवाल अभी दिखाऊंगा आपको कि कितने सवाल आपसे पूछे गए। तो क्या मैं शुरू कर दूं? बताइए। चलिए शुरू कर देते हैं। तो संख्या स्थान निरूपणम से कितने क्वेश्चन पूछे गए, देखो सब सारे सवालों को। पहले तो मैं बता दूं कि इस वाली पुस्तक में इन्होंने, आर्यभट्ट जी ने, संख्याओं को लिखने का जो स्थान है, संख्याओं को निरूपण करने का जो स्थान है वो बताया था, और निरूपित आप कैसे करोगे इस पर चर्चा इन्होंने करी थी। किन्होंने? आर्यभट्ट जी ने। बताएं कैसे? देखो, संख्या स्थान निरूपणम की बात करते हैं, संख्या स्थान निरूपणम। अब अगर इसकी बात करें, ये पुस्तक आर्यभट्ट थी, और इस पुस्तक में क्या लिखा था? ठीक है, इस पुस्तक में लिखा गया था कि नंबर्स को लिखने का बेहतरीन तरीका, भाई साहब जैसे 1 2 3 4 7 6 9 8 है ना, ये टोटल कितने डिजिट हैं? 10। एकदम बेसिक से लेकर के मैं चल रहा, ऐसा कि आपने कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ी होगी तो भी आ जाएगा। तो भाई साहब इन्होंने कहा कि ये सारे आरोही क्रम में असेंडिंग है ना, ये तब थे जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था। अच्छा, अभी जीरो का आविष्कार हो गया और जीरो इन सबसे क्या है? छोटा, तो इसको पहले रख दो। किस में लिखा? संख्या स्थान निरूपण।
फिर उन्होंने कहा था कि अगर इसके बाद के नंबर्स पॉसिबल और बनाने हैं तो आप बनाओगे कैसे। भाई साहब 9 के बाद हम लोग तो आज पढ़ते हैं 10, लेकिन ये कभी भी बनी होंगी। जब बनी थी तो उसको लिखने का जो क्रम बताया गया वो इन्होंने कहा कि आप 0 से लेकर के 9 तक लिख दो, उसके बाद ना 0 से शुरुआत कर ही चुके हो, अब 0 को छोड़ो 1 से उठाओ और 1 1 1 1 ना ऐसा करो कि हर जगह लिख दो। मैं भी बता रहा हूँ कैसा सवाल यहाँ से पूछा गया आपके एग्जाम में, 1 1 टोटल लिख दो आप 9 बार, उसके बाद यही ऊपर वाले डिजिट 0 से लेकर के 9 तक सब कुछ लगा दो, लाइक यहाँ 0 लगा दो, 1 लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9। अब ये बन गया आपके दो दो डिजिट बनने शुरू हो गए, मतलब दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। सो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10। दो अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है? मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात समझिए। जब दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है तो क्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या बता सकते हो? बताइए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर आपने कह दिया 0 तो फटाक से आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत। 0 भाई साहब कैलकुलेशन में नहीं आता, और जब भी कभी बात करेंगे मैं यहाँ पेज पर लिख के दिखा दूँ आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कोई बता दो, कोई कुछ भी पढ़ाए ये बात हमेशा लिखना, एक अंक की, या पूछ लेना भी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या स्क्रीनशॉट ले लो तुम्हें, या हमेशा इसको इसका यूज तुम किसी पूछ लेना भाई साहब, पूछोगे वो गलत ही बताएगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0। मैं क्या कह रहा हूँ क्या है? एक, उसको दिखा देना सोनी सर ने पढ़ाया, कभी गलत नहीं होगा, एग्जाम में आएगा 1 लगा के आना, नंबर मिलेगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस संख्या की बात हो रही है वो गिनती वाली संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? गिनती वाली संख्या की, ठीक है? और गिनती, अच्छा मैं आपको बता दूँ शुरू कैसे हुई थी, अभी आप पूछोगे गिनती कैसे शुरू हुई, तो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अपना ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, मैंने कई बार बताया, ठीक है? इंडिया में आओगे आप, ये गुजरात, ठीक है? सो इतना हिस्सा ये पाकिस्तान का, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक कुछ पाकिस्तान है, और इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है इसका? अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान के यहाँ पर, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? हिंदुकुश है कि नहीं, ठीक है? अच्छा, इधर वाला बाकी देश, कुछ इधर के दोस्त जो थे वो अरब देश के लोग, मतलब आते थे अरबी वाले में, तो यहाँ से जितने भी अरबी आए, जितने भी अरब देश के लोग आए, उन्होंने जब इधर से ही आने का रास्ता भी था, इधर से आए और इधर से आने के बाद जब उन्होंने इसको पार किया, इस पर्वत श्रृंखला को, तो इस हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला को पार करने के बाद जितने भी लोग इधर रहते थे हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के इस साइड में, उनको बोला गया कि वो भाई साहब हिंदू हैं। क्या है वो? हिंदू, मतलब हिंदू जो है वो लोगों को बोला गया, इधर रहने वालों को, हिंदुकुश पर्वत के इस साइड में रहने वालों को हिंदू बोला गया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म कौन सा है? सनातन, ठीक है? सनातन धर्म जो युगों युगों से चला आया है। जो अब हिंदू क्या हो गए? हिंदू ये होगा कि हिंदुकुश पर्वत के पार जितने लोग रहते थे इधर, उनको बोला गया हिंदू। अब आप मेरी बात समझो, इतनी बात क्लियर है भाई साहब? तो आगे बढ़े तो और समझाएं, ठीक है? सुनिए ना, जो युगों युगों से चलाया है, तो जब उन लोगों की जो भी कैलकुलेशन वाली पद्धति थी संख्याओं वाली, यहां पर जितने भी लोग रहते थे उनकी जो संख्याओं वाली पद्धति थी, उन दोनों की पद्धति जब मिली तो हम लोग, अब जो हम लोग पढ़ते हैं उसको बोला जाता है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति, जबकि ये सेम है भाई साहब, सेम है। पूरा नंबर सिस्टम जो आप पढ़ते हो वही नंबर सिस्टम का ये नाम है। अगर कहीं हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति लिखा भी है तो उसको समझना कि जो आप पढ़ रहे हो गिनती वगैरह वही सब कुछ है, नंबर सिस्टम कुछ अलग नहीं है, ठीक है? ठीक है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति, तो मैं यहाँ पर कह रहा था हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति मतलब गिनती की शुरुआत। गिनती की शुरुआत आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 4 से करते हैं 10, उसके बाद 11 12 13 14 ऐसा आता जाता है, ठीक ना? और आखिर में पहुंच जाते हैं हम 100 तक। गिनती में क्या, गिनती में शुरुआत हम 0 से करते हैं? तो आप कहोगे नहीं, 0 से नहीं करते, तो 0 को यहाँ पर संख्याओं में नहीं लेते, मतलब कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1। और कभी भी 0 आप लगाना मत, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है इसलिए मैं बोल रहा था। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? 9, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे 0 फिर किस में बताएंगे? ना 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 ना, वैसा नहीं है हमास ग्रुप। देखो
अब आप सोच रहे होगे कि जीरो कैसे बता दें, तो पूरा कंटेंट पर ध्यान दो, ठीक है, बाद में कमेंट कर लेंगे दोस्त। संख्या स्थान निरूपणम में यहाँ पर मैंने क्या बताया आपसे, जीरो सिर्फ क्या है भाई साहब, एक असार्थक अंक है। बाकी जीरो के बहुत सारे नाम हैं, उनको मैं एक एक करके लिखूंगा। लाइक जीरो को ही आप बोलोगे कि जीरो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। आखिर क्यों परिमेय संख्या है, मैं पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। जीरो को असार्थक बोलते ही हैं, जीरो एक इवन नंबर भी है, संपूर्णांक संख्या है। क्यों है मैं आपको बताऊंगा। जीरो को ही हम लोग उदासीन संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन संख्या भी। जीरो के बहुत सारे नाम हैं, आपने देखा, असार्थक अंक भी है, परिमेय संख्या भी है, संपूर्णांक भी है, उदासीन संख्या भी कहते हैं इसको, मतलब न्यूट्रल नंबर भी, ठीक है। जीरो का विस्तार यहाँ और यहाँ पर आ जाओ। संख्या स्थान निरूपण मतलब मैंने कहा वन होगा, चलिए ये तो बन गए दो दो डिजिट के, ठीक है। अब दो दो डिजिट में अगर मैं आगे और बढ़ता हूँ तो 9 से या 10 से शुरू हो गया, 19 खत्म, मतलब आपने एक को उठाया बारी खत्म, अब दो को उठाओ, तो दो को आप लिखोगे ना टोटल कितनी बार, दो को ही लिख दोगे कुल मिला के 10 बार। और फिर इसके बाद जीरो, ये वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर फोर, यहाँ पर फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 29। इसके बाद 30 की बारी शुरू होगी और धीरे धीरे 39 तक। उसके बाद बारी ऐसे आएगी 90 से शुरू होगी, कहाँ 40, 50, 60। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने क्या क्या सवाल लगाने हैं, ठीक है। और आप पहुँच जाओगे सीधे 99 तक, मतलब दो डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा, 99। अब तीन डिजिट की शुरुआत करोगे ना, तो यहाँ से बारी 9 की आई खत्म, अब बारी आएगी 10 की, तो 10 को लिखोगे आप टोटल कितनी बार, 10 बार। और फिर से वही जीरो चिपका देंगे, 0, 1, 2 और फिर तीन डिजिट के नंबर। यही चीज़ जो मैंने समझा रखी है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है शिक्षक भर्ती में, ठीक है, आप टीचर बन जाते हैं किसी कॉलेज, किसी प्राइमरी स्कूल के, छोटे छोटे बच्चों को जब आप काउंटिंग करना सिखाओगे, गिनती क्या होती है, तो मेरे दोस्त सिखाएंगे यहीं से, शुरू यहीं से करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, अटेंडेंस लगाइएगा जरूर। चलिए, सो भाई साहब यहाँ पर मैंने कहा एक अंक की सबसे छोटी संख्या 01 है और एक अंक की बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या 9, ये हो गई। यहाँ से सवाल एक तो ये, मतलब ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बार बार बोला इसको जरूर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। अगर आपसे ये कहा जाता है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में, हिंदू अरबिक न्यूमेरिक सिस्टम में, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में अगर आपसे ये बोला जाता है कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, एक अंक की कुल संख्याएं कितनी, भाई साहब बहुत बेहतरीन सवाल है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी देखना जो मैंने अभी दिखवाया थोड़ी देर पहले, वो भी हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में एक अंक की कितनी संख्या है, या फिर यही सवाल बने कि संख्या पद्धति में, चाहे संख्या पद्धति में लिखा हो या हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में लिखा हो, दोनों चीज़ें सेम है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि फिर से लिखना पड़ेगा, उतना आप समझ रहे हो। संख्या पद्धति में कुल अंकों की संख्या बताइए या अंकों की कुल संख्या बताइए, तब दोनों के आंसर अलग अलग हैं, मैं सबसे पूछना चाह रहा, सब लोग बताओ। संख्या पद्धति में अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या, तो जब पूछा जाए नंबर सिस्टम में डिजिट के टोटल नंबर बताए, कुल मिला करके कितने डिजिट हैं, तो कुल जो डिजिट होंगे ना उनकी संख्या हो जाएगी भाई साहब 0। बट एक अंक की कुल कितनी संख्या है, टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट का, तो हम क्या बता देंगे कि बाबूजी 1 होगा। एक अंक की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 1, 9, 9। यहाँ पर शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 1 से, और चलेंगे कहाँ तक, 9 तक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एक अंक की कुल संख्या बताइए, तो हम बोलेंगे 9, उस वक्त किसको शामिल नहीं करेंगे, अरे हाँ, यहाँ पर अंकों की कुल संख्या 0 मैंने लिखी, अंकों की कुल संख्या है बाबू 10। देखो अंकों की कुल संख्या में 0 भी शामिल होगा, बट यहाँ पर अगर पूछा जाता है एक अंक की कुल संख्या बताइए, तो 1 से 9 तक जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी लिखवाया था आपको कि 0 को हम लोग किस में शामिल नहीं करेंगे, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति, मतलब गिनती में नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। तो गिनती में 0 आएगा नहीं, इसलिए गिनती में जितने भी डिजिट आएंगे उन सबको हम कह देंगे 1 अंक की डिजिट है, और यहाँ पर अंकों की कुल संख्या पूछी जाएगी तो 10। दोनों में डिफरेंस आप कर पा रहे होंगे आई थिंक।
अब पूछा जाए आपसे टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट बताइए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा है दोनों, ये दोनों सवाल हैं किस चैप्टर से, संख्या स्थान निरूपणम से। अभी आज के सेशन में मैं पूरा अभी उसी पुस्तक के बारे में डिटेल्ड बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 0 to 9 नहीं बेटा, 1 to 9। दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, दो अंकों की कुल संख्या है कितनी है, जल्दी जल्दी बता दो, बस आगे बढ़ते भैया बहुत तेजी से। तो हमारी बात समझिए, अब अगर आपसे दो डिजिट का नंबर पूछा तो दो डिजिट का नंबर शुरू होता है 10 से और जाएंगे कहाँ तक बाबूजी, 99 तक। कहाँ तक, 99 तक, बहुत ही सही है, ठीक है। सो दो अंकों की कुल संख्या अगर आपने शुरू करी 10 से, तो मैं कह रहा कि देखो ना पता कैसे करते हैं, एक से अगर तुम 99 तक जाते ना तो टोटल तुम्हें कितने डिजिट मिलते, 99। कितने डिजिट मिलते, 99। बट जब आप शुरुआत कर रहे हो 10 से, कहाँ से शुरू कर रहे हो, 10 से, तो इसका मतलब है 1 से 9 तक क्या करोगे, घटा दोगे, क्योंकि आपने 1 से 10 काउंट किया था। 1 से 9 तक तो केवल 9 ही डिजिट हैं, घटा दूंगा तो मेरे पास 90 नंबर आ जाएगा। मतलब दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 90। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट बता दो, तीन अंकों की कुल संख्या, तीन अंकों की कुल संख्या, तब बताइए कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, तीन डिजिट के टोटल नंबर पता करने तो आप 1 से शुरुआत करोगे, लेकिन कहां तक जाओगे, 999 तक जाओगे, ठीक ना। 1 से शुरुआत करके 999 तक, तभी तीन डिजिट का नंबर मिलेगा, मतलब टोटल तीन डिजिट के नंबर हो गए 999। लेकिन तीन अंक की संख्या शुरू कहां से होती है, 100 से। इसका मतलब आपको 1 से लेकर के 99 तक को घटाना होगा। अब अगर हम 99 तक को घटा देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 900, ठीक है। तीन डिजिट के टोटल नंबर कितने हो गए, 900। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं चार अंकों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट्स, तो आपके पास आ जाएगा 9000। बस यही सिस्टमेटिक चलता रहेगा, पांच अंकों की कुल संख्या, छह अंकों की कुल संख्या, सात अंकों की कुल संख्या, ये सारे आंसर्स हम लोग यहीं से करते रहेंगे, ठीक है। अरे से ठीक है, चलो अब अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं भाई साहब, ठीक। यहां से और जो कंटेंट लिखना है ना, वो कंटेंट जितने भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी या आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, मैं वो सारी चीजें यहीं पर लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गए, ऐसे 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 करते हुए आप और आगे बढ़ सकते हो, बताते रहोगे, बस एक एक जीरो बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल यहां से ये बनता है कि अगर मैं 1 से लेकर के 1 से उठाऊं, 1 से लेकर और 100 तक जाता हूं, तो 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में अगर ये पूछा जाए कि भाई साहब 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में टोटल कुल मिलाकर के कितनी बार, देखो संख्या स्थान निरूपणम से ही सवाल है, सब मैं बता दे रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली पुस्तक कहां मिलेगी। संख्या स्थान निरूपणम में जितने भी नंबर्स लिखे, अब अगर मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ और सवाल कह रहा कि मैं 100 तक लिखता हूँ, तो मुझे कितनी बार 1 लिखना होगा, कितनी बार 0, कितनी बार 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी पूछ सकता है, सवाल यहीं का था, ठीक है। चलिए सो 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में, सो गया 100 तक की गिनती में अगर आपसे पूछा जाता है कि 0 कितनी बार आएगा, बताएं 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आएगा, तो भाई साहब बता देंगे, चाहे काउंट करो चाहे इसे बता दो, 1 से लेकर के 100 तक की 100 तक की गिनती में 0 को गिनोगे तो टोटल आएगा 11 टाइम्स, 11 बार। अगर आपने गिना यहाँ पर 1 कितनी बार आएगा, तो 1 आएगा टोटल 21 टाइम्स, 21 बार। बस आपको ना केवल यही दो नंबर याद रखना है, 1 से लेकर के अगर 100 तक जाते हो तो 0 आएगा कितनी बार, 11 टाइम्स, 1 आएगा कितनी बार, 21 बार। बाकी जितने डिजिट है ना वो सब के सब सेम टाइम, पूछो कितने, देखो कितने शेष जो अंक होंगे ना, लाइक शेष डिजिट क्या बचा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही बचा ना। अब अगर इन डिजिट के बारे में पूछे तो ये सारे डिजिट आते हैं 20-20 टाइम्स, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे, बोलो बोलो बोलो,
या भूल जाओगे। सो जीरो आएगा 11 टाइम्स एंड 121 टाइम्स, शेष रिमेनिंग डिजिट आ जाएंगे 20 20 टाइम्स। कोई कष्ट कोई परेशानी तो तुरंत व्हाट्सएप करो फराग से, एक से लेकर के 100 तक की गिनती में जीरो एक बार और ये हो गया, बाकी यहाँ पर सीख लिया। अब यहाँ पर अगर और एसएससी के क्वेश्चंस करने ना, तो आप सुनो ना, आपसे ये पूछा जा सकता है, इसे एक अंक की कुल संख्या पूछी, चेचे दो अंक की कुल संख्या पूछी, तीन अंक की कुल संख्या पूछी, चार डिजिट का, मैं कहूँ 5 6 7 कितने भी डिजिट का नंबर पूछ रहे आपसे ना, आपसे कहा जाए कि 100 डिजिट के टोटल नंबर बताइए, 100 अंकों की कुल संख्या बताइए, देन आप क्या करेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप क्या करेंगे? 100 डिजिट के टोटल नंबर बताने होंगे तो आप क्या करोगे? अगर आप विकल्प चाहते हो तो बाबूजी विकल्प भी ले लो, लाइक 9 × 10^99। बी ऑप्शन हो जाए 10 × 9^99। सी ऑप्शन विकल्प हो जाए 9 × 10^100। या लास्ट ऑप्शन हो जाए 10 × 9^100। जिसको भी आंसर समझ में आ रहा फटाक से बता दें, समझ रहे हो? ऐसा सवाल ये मैं एसएससी का उठा रहा। सुनो ना, 100 डिजिट के टोटल नंबर, 100 डिजिट के जो टोटल नंबर होंगे वो कितने, तो देखो यहाँ देखो, जब आपसे एक डिजिट का नंबर पूछा ना तो एक भी जीरो नहीं है, दो डिजिट के नंबर पूछे गए तो यहाँ पर लास्ट में 10, तीन डिजिट में 20, चार डिजिट में 30। तो 100 डिजिट्स में कितने, 99 बार जीरो मिलेगा, इसका मतलब 9 × 10^0 कितनी बार, 99 टाइम्स। तो मेरे पास आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही फटाक से बता दो, देन आगे बढ़े। चलो चलो भाई साहब, तो अभी तक की क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें रिवीजन करते चलेंगे आप। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम शुरू किया हम लोगों ने, ठीक है? पहले बताया आपको मैंने टोटल कितने डिजिट को हम सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है, जिन अंकों का आपस में कुछ अर्थ निकले। असार्थक अंक क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, जिसका कुछ भी अर्थ ना निकले। तो असार्थक अंक सिर्फ एक है, जीरो। फिर मैंने आपको बताया कि जीरो का आविष्कार, जीरो पर बात करें तो भारत में तो हुआ था, लेकिन अगर कोई बोलता है आर्यभट्ट ने किया था तो बता देना गलत है, क्यों? क्योंकि सोनी सर ने पढ़ाया था, आर्यभट्ट जी ने नहीं किया था। इसके आविष्कारक जो है ना, इसके आविष्कारक इंडियन मैथमेटिशियन तो हैं, बट अभी तक अननोन है, अज्ञात है, कहीं भी लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। लाइक अगर हम रावण की बात करते हैं महाभारत काल में, सॉरी रामायण में, तो रावण के कितने सिर थे मेरे दोस्त, 10। महाभारत में कौरवों की संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे 100। तो मैं पूछूंगा भाई साहब 10 तो तब है जब आर्यभट्ट जी का जन्म नहीं हुआ था, रावण के 10 सरगिनती में है, कौरवों की संख्या कितनी है? तो जब आपको ये पता चल गया कि 10 और 100 बिना किसी काउंटिंग नंबर के बन ही नहीं सकते थे, और आर्यभट्ट जी का जन्म बाद में हुआ था, तो ये बताओ आर्यभट्ट जी कैसे कर सकते थे इसका आविष्कार? समझ रहे हो, समझ रहे हो? सो आपसे अगर पूछा जाता है कि जीरो के आविष्कारक कौन है, तो बता देना अननोन है, अभी तक लिखित रूप में कहीं भी प्राप्त नहीं है। यूपीएससी में एक बार सवाल आया है 2012 में कि जीरो के आविष्कारक का नाम बताइए, ऑप्शन था अज्ञात और अज्ञात सही, ठीक? आगे बढ़ें, चलो। सो सुनिएगा, फिर आर्यभट्ट जी ने एक पुस्तक लिखी संख्या स्थान निरूपणम, उसमें मैंने बताया जीरो से आगे के नंबर्स को इन्होंने लिखने का तरीका बताया। आप भी सिलेक्शन होने के बाद अगर आप टीचर बनते हो तो आपको भी नंबर्स सिखाने का तरीका जो है ना बच्चों को, यही वाला रखना है। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति पर सवाल बनता है, ये क्यों बनता है? क्योंकि इंडिया के यहाँ पर देख रहे हो आप, इस साइड में पाकिस्तान है, ठीक ऊपर इसके क्या है, यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर पर्वत कौन सा है, हिंदू कुश, और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को पार करके जितने भी अरब देश के लोग इधर से आए, उन्होंने हिंदू कुश के पार मतलब इस साइड में रहने वाले लोगों को क्या बोला, हिंदू बोला। मतलब हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू बस एक जाति विशेष को बोला जाने लगा, ठीक है? धर्म कौन सा है, सनातन, जो युगों युगों से चला आ रहा, हिंदू बोला जाने लगा इधर के लोगों को, हिंदू कुश पर्वत के इस साइड के लोगों को। तो उनकी जो मैथमेटिक्स चलती थी नंबर्स को लेकर के, जो हमारी चलती थी मैथमेटिक्स नंबर्स को लेकर के, इनके कॉम्बिनेशन को ही बोला गया हिंदू अरबिक न्यूमेरिक सिस्टम या फिर हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति। ये पद्धति मेरे दोस्त वही पद्धति है जो हम आज भी चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। गिनती 1 से 100 तक याद करो, 2 के पहाड़े 4 के पहाड़े, ये सब
हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में। सो अभी तक की क्लास में मैंने आपको सिर्फ अंक के बारे में पढ़ाया। किसके बारे में पढ़ाया? सिर्फ और सिर्फ डिजिट के बारे में पढ़ाया। अगर आपको पढ़ना है नंबर्स के बारे में, किसके बारे में? नंबर्स के बारे में, कि बेसिकली नंबर्स भाई साहब होते कितने टाइप के, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बहुत टाइप के होंगे। पढ़ना कितने टाइप को है सब कुछ मैं सिखाऊंगा। लाइक इमेजिनरी क्या होता है, लाइक रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी हिंदी में क्या बोलेंगे? काल्पनिक, कभी कभी अवास्तविक लिखा रहता है। इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर, मैं नाम यहाँ पर लिखे दे रहा। विशेष चर्चा करेंगे अगली क्लास में, पूरा समझना नंबर्स कितने कितने, इमेजिनरी, रियल, नेचुरल, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट हो गया, इसके बाद भी अभी बचा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। फ्रैक्शंस भी पढ़ना है आपको, जिसको भिन्न कहते हैं। आपने यहाँ पर डेसिमल पर भी चर्चा करनी है, दशमलव कहते हैं। आपको यहाँ रेशनल भी पढ़ना है, रेशनल यू नो परिमेय संख्या, इरेशनल भी पढ़ना है, अभी बहुत ही कम नंबर। आपको बार डेसिमल पढ़ना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ना है, मिश्रित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सब कुछ मैं सिखा दूंगा अगली क्लास में। ये सारे के सारे नंबर्स आपके समाप्त हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने बस शुरुआत करी है डेमो के रूप में नंबर सिस्टम का, ठीक है। नंबर्स पर डिटेल चर्चा होगी, संख्याओं पर, सारे संख्याओं का एक चार्ट बनेगा जो मैं बना के दूंगा यहाँ पर। उसी चीज़ को आपको एक कॉपी या पेज पे बना लेना है और टांग देना है घर की किसी दीवार पर, डेली देखिएगा, नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। देन हम लोग चर्चा करेंगे इसी के आगे स्थानीय मान, जातीय मान पर, देन डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पूरा सिस्टमेटिक खत्म करेंगे इस पूरी मैथ्स को, और आपके एग्जाम के पहले पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा। जितने लोग अभी पूरी क्लास यहाँ तक पहुँच गए हो, सबसे मैं बोल रहा फिर से, सभी अपने यार दोस्तों को बता दो यहाँ के बारे में, सबको जोड़ लो, ठीक है। प्रॉपर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और प्रॉपर आपको मिलती रहेंगी कंटिन्यूअस यहाँ से, ठीक है। चलिए भाई साहब, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद। चलिए, सो मैं आपको चर्चा करके दिखा दूं भाई साहब। चलिए, सो सॉरी, UPSI फ्री टेस्ट सीरीज है आपके लिए, UPSI के लिए, जिनका भी दारोगा का एग्जाम है वो लोग दे सकते हैं। एवरी मंडे टू फ्राइडे 20 मिनट का टेस्ट होगा ना, 6 PM पे, आप यहाँ पर जुड़ करके दे सकते हो। बाकी इसके साथ मिशन खाकी UPSI का ही टेस्ट सीरीज है, प्लस टेस्ट सीरीज, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा उनके लिए UPSI का टेस्ट एवरी संडे होता है। देखो, मंडे टू फ्राइडे फ्री है सबके लिए, एवरी संडे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा उनके लिए है, दोपहर में 2 बजे। 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस का, इसको दीजिएगा जरूर, जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा वो भी, और जिन्होंने नहीं ले रखा वो भी, अगर किसी का भी दारोगा का एग्जाम है तो। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी आपको दे रही 3 मंथ फ्री, और अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना तो टोटल 4 मंथ फ्री मिल जाते हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है आप सबके डिमांड पर, सो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। प्रज्ञ क्या है? प्रज्ञ है बैच, ओरिएंटेशन बैच है, कैसा? करंट अफेयर्स एंड UP स्पेशल बैच कोर्स है ये, 5 अक्टूबर से शुरू होगा, 11:50 PM से, दोपहर के 11:45 से। इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल करेंट अफेयर्स इन क्रैकिंग फॉर UP एग्जाम, धनंजय सिंह जी लेके आ रहे हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी बैच कोर्सेज कौन कौन से स्टार्ट हैं, अगर इसके बारे में बैच बात करें तो भाई साहब, लेखपाल जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा इसलिए क्योंकि पेट हुआ उसको आप मान लो प्री हो गया, मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा उन्नत के नाम से। प्रज्ञ जो बैच है ये वाला, करंट अफेयर्स एंड UP स्पेशल बैच, 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इतने सारे कोर्सेज जो दिखाई दे रहे हैं, UPSC, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर PCS, RO, UPSI, SSSPET, लेखपाल, BEO और ऑप्शनल कोर्सेज, आप एक सब्सक्रिप्शन कोर्स से ना सभी में एंट्री पा जाते हो, एक सब्सक्रिप्शन से सब में एंट्री। मतलब आपने नेटफ्लिक्स देखा, RSD10 मेरा रेफरल कोड है, आपने हॉटस्टार देखा, आपने अमेजन प्राइम पर वीडियोज़ देखते हो, किसी ना किसी का कोई ना कोई मेंबरशिप लेते हो ना, एक महीने का, कोई कोई एक साल का ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप मेंबरशिप ले लेते हो सब्सक्रिप्शन के बाद, तो आप भाई साहब उसमें चाहे वेब सीरीज देखो, चाहे मूवी देखो, चाहे गाने देखो, सब कुछ फ्री ना। सेम वही चीज़ है अनअकैडमी ऐप पर भी, आप केवल अपनी कैटेगरी चुनते हो और कैटेगरी चुनने के बाद उस कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सब पढ़ सकते हो, उतने महीने तक जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10% फॉर RSD10 कोड, मेरा कोड है RSD10, राहुल सोनी दद्दा, दद्दा फॉर बड़े भैया। सो इससे आपको पूरे 10% ऑफ मिल जाएगा। बाकी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, 1700 पर मंथ का एक, बाकी ये 4250,
7,650, 9,350 एंड 13,600 है। बट जब आप 10% छूट के लिए RSD10 कोड यूज कर लेंगे ना, मतलब मेरा रेफरल कोड ना RSD10, तो उससे आपको पूरे 10% की छूट मिलेगी और आपके जो चार्जेस हैं वो घट जाएंगे। इतना घट के हो जाएंगे कितना, 1 मंथ का हो जाएगा आपका 1530, 3 मंथ की बात करें तो हो जाएगा 3,825, 6 महीने का हो जाएगा आपका 6,885, 12 महीने का 8,415 और 2 साल का 12,640। ठीक है, सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है आप सभी के डिमांड पर। अब घर बैठे आप बिहार के लिए PSC का और UPPSC की तैयारी एक साथ कर सकते हो अकेडमी पर। 6 महीने का कोर्स, 12 महीने का कोर्स, 24 महीने का कोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। सबक्स बाउंटी है, अपॉर्चुनिटी आप सभी लर्नर्स के पास। रिपोर्ट कर सकते हैं आप मेरी किसी भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट को जो कि वीडियोस में आती हैं। अगर आपको लगता है कि ये अनुचित कंटेंट है, वीडियो में नहीं होना चाहिए, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। सबके पास अपॉर्चुनिटी है और आप प्राइज भी जीत सकते हो अगर आप पहले होते हो रिपोर्ट करने के लिए। सो इसके लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर के अगर कोई भी अनुचित कंटेंट दिखता है तो कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिलती हैं। वैसे 5:45 शेड्यूल रहती है मेरी सारी क्लासेस की, 5:45 पे मेरी क्लास होती है, ठीक अनअकैडमी ऐप पर डेली। सो अनअकैडमी के लेट्स क्रैक UP एग्जाम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आज यहीं तक रखते हैं। मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राहुल सोनी प्रोफाइल लिंक, वहां पर जाकर के, ताकि आपके पास मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलने लगे। मेरा कोड है रेफरल कोड RSD10, जरूर यूज करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आज की क्लास में बने रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा अगर नए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मैं तो कहता हूँ हमेशा व्यस्त रहें।